लेकिन वो खुदा है। आपके पापी होने के बाद भी बार बार आपके मुंह से जब उसका अंगीकार नहीं भी होता है, आराधना नहीं भी करते हैं, प्रेयर्स मिस कर देते हैं, वो फिर भी आपको ऊंचे पे उठाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मेरा विश्वास है बहुत सारी गवाहियां यहां से उत्पन्न होने पर। हालेलुया, अपनी प्रार्थनाएं लेकर के आइए, ये मत सोचिए वो करेगा ये करेगा, खुद से प्रार्थना करिए, हाथों को उठाइए, घुटनों को टेकिए, वो विश्वास कैसे नहीं देगा, मुझे दे सकता है, आपको भी देगा। आमेन, मेरा खुदा है, आमेन, आमेन, वो देने पर है, आज आज वो देने पर है। मांगिए जैसे मांग सकते हैं, रोइए, पीटिए, चिल्लाइए और जिद पे आ जाइए, बोले खुदा आज तू मुहैया कराएगा। हालेलुया, और लिखा हुआ है हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएंगे और भजन गाते हुए जय जयकार करेंगे। अगर लगता है कि ये पति पत्नी क्यों शाम को आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, तो सुनिएगा, मेरा खुदा मुझे सिखाता है कि उसके सामने धन्यवाद के साथ आइएगा, उसके सम्मुख भजन गाते हुए जय जयकार के साथ आइएगा। वो कहने लगा, मैं अपनी प्रजा के आनंद की ललकारों को पहचानता हूँ। हालेलुया, हम प्रार्थनाओं को करेंगे, मैं चाहता हूँ प्रार्थनाओं को लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम। सबको पहले तो मैं जय मसीह की बोलना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन प्रार्थनाओं को करेंगे, प्रार्थनाओं को करेंगे। खुदा भला है और वो आज भलाई को दिखाने पर है आपके जीवन में, आपके जीवन में चंगाई उत्पन्न होने पर है। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, भाई अनिल, अनुराधा और उनकी मम्मी को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। प्रभु बहुत सीरियस हो जाती है हालत, लेकिन खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदा तू बचाता है, जो खुदा वो सांसें ले रहे हैं वो तूने दी है खुदा। दुष्ट आके इनको झंझोड़ता है, लेकिन खुदा तू फिर दिखाता है, देख मैंने तुझे जीवित रखा है कि तू अपने मुंह से मेरा नाम ले, मेरे नाम की स्तुति कर। खुदा तेरे लहू के बाड़े को हम इनके परिवार पे लगाते हैं, तेरे नाम से चंगाई को बोलते हैं, यीशु के नाम से खुदा चंगाई को बोलते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु चाहता है कि ये प्रार्थनाएं करे, तू अद्भुत युक्तियां लेकर आता है खुदा। हम चाहते हैं जब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु इनकी तबीयत को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। ये एक प्रार्थना योद्धा है खुदा, इन्हें चंगा कर प्रभु, इन्हें अपनी सामर्थ्य दिखा खुदा। प्रभु चाहते हैं तेरा लहू इतना सामर्थी बन जाए कि आज रात ये बेहतर महसूस करे खुदा, कल ये अपने में बेहतरी को महसूस करे और ये शिफा पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, खुदा प्रभु यीशु मसीह। भाई जयपाल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, बहन सपना के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, इस प्रेम से जोड़े के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। इतना प्रेम है दोनों हस्बैंड वाइफ में कि एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कराते हैं खुदा, इन दोनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, चाहते तेरे राज्य में बढ़े प्रभु। अगर इनके घर में किसी बात की कमी घटी है, यीशु के नाम से दूर हो खुदा। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये पति पत्नी साथ में मिल जाएं खुदा, रहने लगे साथ में खुदा। काम के वजह से दूर रहते हैं प्रभु, काम का जरिया ऐसा बना कि अपनी पत्नी के पास रह पाए खुदा, ये आराधना करे, महिमा करे, तेरे नाम को ऊंचा उठाए। दोनों को खुदा बरकत आशीषों से भरना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। खुदा प्रभु यीशु मसीह, भाई सनी की स्नोफिलिया को तेरे हाथों में सौंपते चाहते खुदा, तू शिफा देना खुदा। प्रभु वो भाई जब रोज खुदा निस्वार्थता के साथ जुड़ जाते प्रभु, चाहते इनकी बहन की शादी के लिए इंतजाम करना, घर में कर्जों को खत्म करना, दुकान पे अनुग्रह करना, पैसों पे बरकत देना खुदा। आज कल्याण को इस परिवार पे ठहरा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन,
धन्यवाद खुदा प्रभु यीशु मसीह। देवश्री बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा चाहते हैं प्रभु ये बहन का डाइवोर्स केस यीशु के नाम से डिसमिस करते हैं। खुदा चाहते हैं प्रभु तू प्रभु इस जोड़े को साथ में लाना खुदा प्रभु, ये तेरी महिमा के लिए